आज पन्ना जिला मुख्यालय में आशा उषा सहयोगी संयुक्त मोर्चा ने प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन रैली एवं ज्ञापन का ऐलान किया है। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि वह गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, नवजात शिशुओं सहित आम जनता को स्वास्थ्य की देखभाल में दिन रात केवल 2,000 रुपये मासिक वेतन में काम कर रही है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा दिया है। देश की अन्य राज्य सरकारें आशा एवं पर्यवेक्षकों को वर्षों से अपनी ओर से अतिरिक्त वेतन देकर राहत पहुंचा रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार पिछले 16 वर्षों से अपनी ओर से आशा पर्यवेक्षकों को कुछ भी नहीं दे रही है। लगातार संघर्ष एवं सैकड़ों ज्ञापनों के माध्यम से 24 जून 2021 को मिशन संचालक द्वारा की गई अनुशंसा को लागू कर आशा को 10,000 एवं पर्यवेक्षकों को 15,000 वेतन देने की मांग कर रही है। कोई निराकरण नहीं होने पर संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर 15 मार्च 2023 से प्रदेश की आशा उषा पर्यवेक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। 16वें दिन तक सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाए गए। इस परिस्थिति में संयुक्त मोर्चा ने 1 अप्रैल को प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों के समक्ष धरना प्रदर्शन करते हुए एवं रैली के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर मांगों के निराकरण हेतु हस्तक्षेप करने, विशेष रूप से सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों से इस संबंध में मुख्यमंत्री से चर्चा करने एवं उन्हें पत्र लिखकर न्यायपूर्ण वेतन वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु हस्तक्षेप करने का आग्रह किया जाएगा। वहीं इस संबंध में मीडिया के समक्ष किया कहा, आप ही सुने। पन्ना से टाइगर खान की रिपोर्ट। गायत्री जी, ये बताएं, आज ज्ञापन दिया गया है, आशा बहनें पूरी हड़ताल पे हैं, क्या हैं आपकी मांगे, किन मांगों के तहत ज्ञापन दिया गया? परमानेंट करें, और जो वेतन हम काम के पैसा दिया जाता है वो टुकड़ों में दिया जाता है, और हमको ये टुकड़ों में नहीं चाहिए, लाडली का लाभ चाहिए हमको, जो भी चाहिए तो हमको परमानेंट करें। कितने दिनों की हड़ताल पे हैं सभी? निश्चितकालीन हड़ताल है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी जब तक धरना प्रदर्शन चालू है। धन्यवाद। नाम बताएं अपना। गायत्री बताएं अपना। मेरा नाम मीनाक्षी विधवा। मीनाक्षी जी, ये बताएं, आज ज्ञापन दिया गया है आप लोगों के द्वारा, क्या मांगे हैं, किन मांगों के तहत ज्ञापन दिया गया है? हमारी मांगे हैं कि जो हमारी आशा बहनों का 10,000 रुपया और आशा पर्यवेक्षक बहनों का 15,000 रुपया, हम लोगों की ये मांगे हैं। और जो हम लोगों का ये लाडली बहना योजना में हम लोगों से काम अतिरिक्त लिया जाता है, इसका हमें कोई मानदेय नहीं है, इसका हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। ये हम लोग काम नहीं कर सकते हैं, ना हमारी कोई आशा बहने काम करेंगे। पूरे जिले की आशा कार्यकर्ता जिले की और हमारी आशा कार्यकर्ता और आशा पर्यवेक्षक बहने इस समय अनिश्चितकालीन हड़ताल करते हैं। समय रहते यदि आपकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा यही होगा कि अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी और हम लोग अपनी हड़ताल पर इस तरह। क्या मानते हैं कि आगे आने वाले चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? शासन के निर्देशों के अनुसार तो असर इसका मिलेगा, क्योंकि इस समय पर सभी विभाग अपने अपने हड़तालों पर है। तो एक हमारी आशा बहन ही ऐसी बची थी जो कि हड़ताल पर नहीं थी और सबसे कम पैसों में काम कर रही थी, इसलिए हम लोग आशा बहनें भी सब लोग हड़ताल पर बैठ गए हैं, तो इसलिए इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही काम पर। कोरोना काल के दौरान भी भरपूर योगदान रहा है आशा का, बहनों का। हम लोगों ने कोरोना काल में भी जो बाहर नहीं निकलने से डरते थे जो लोग, हम लोगों ने काम किया, हमारी बहनों ने काम किया, दिन रात बराबर काम किया, लेकिन शासन ने जो हमको 10,000 रुपये देने का कहा था वो आज तक हम लोग को 10,000 रुपये नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग अब शासन के कोई काम भी नहीं करेंगे जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होंगी। धन्यवाद। नाम बताएं अपना। मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं महामंत्री पद पे हूँ। मेरा नाम
नाजमा जी ये बताएं, आज ज्ञापन दिया गया है आशा बहनों के द्वारा, क्या इनकी मांगे थी, किन मांगों के तहत ज्ञापन दिया गया है? आज हम लोगों ने आशा सहयोगी श्रमिक संघ की तरफ से, जो हमारा संगठन, उसकी तरफ से पूरे पन्ना जिले की आशा आशा सहयोगी बहनों ने पांचों ब्लॉक में और हमारे जिला स्तर पर हमारे मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी जी के नाम से हमने ज्ञापन दे दिया है और हम सभी बहनें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आज से जा चुकी हैं। और हमारी मांग है कि हमारी आशा कार्यकर्ता को 10,000 रुपये, हमारी आशा पर्यवेक्षक को 15,000 रुपये, हमारे सामने से जो टुकड़े टुकड़े पैसे हमारी आशा को दे रहे हैं वो एक मुश्त दिया जाए, और जो हमारी आशा पर्यवेक्षक को दिन के हिसाब से 300-300 रुपये दिया था वो ना दे के हमें एक साथ 15,000 रुपये हमें दें, और हमें अलग अलग से कोई पैसा नहीं चाहिए। और जब तक हमारी ये मांगें पूरी नहीं होती तक हम लोग ऐसे हड़ताल पर रहेंगे, क्योंकि हमने पिछली भी हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हमने 36 हड़ताल की थी, उसमें हमें आश्वासन दिया गया था कि हम आपको 2-4 दिन बाद हम आपका जो आदेश, जो सहमति बनी थी वो हम आदेश आपको जारी कर देंगे, लेकिन आज वो आदेश हमें दिया ही नहीं गया है। मतलब सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं और हमसे काम लिए जा रहे हैं, तो ये सब आप बंद कर दें और हमें एक मुश्त राशि दें ताकि हमारे घर का जो भरण पोषण है वो हो सके, या तो फिर वो महंगाई घटा लें। वेतन नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो महंगाई ही घटा लें, और महंगाई पे है तो मतलब बढ़ाते ही जा रहे हैं और वेतन कुछ भी नहीं है, बस वही 2,000 रुपये में जीवन आप, तो ये सब बंद कर दें। समय रहते यदि आप को नहीं किया गया तो अगला कदम, अगर शासन प्रशासन ने नहीं सुनी तो हम सरकार ही बदल देंगे। आगे आने वाले चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा, क्योंकि हम कब से बोले जा रहे हैं, कितने साल हो गए, 2006 से हमारा शोषण चल रहा है, कभी ये नहीं सोचा माननीय मुख्यमंत्री जी ने ना हमारे NHM वालों ने कि हम कैसे जीवन यापन कर रहे हैं 2,000 रुपये में, जरा एक बार वो भी तो सोचे, स्तर पर उतर के देखें कि महंगाई कितनी है, 2,000 रुपये में हम कैसे घर चला रहे हैं। और उसके साथ साथ 24 घंटे काम, कोई भी नई योजना तुरंत हम आशाओं को जाता है, बुलाओ वो ये काम करेंगी, उनको बुलाओ ये काम करेंगे, तो ये बंद कर दें हमसे, हमारा शोषण करना आप बंद करें, बहुत हो गया, अब हमारी बहनें भी जाग चुकी हैं, अब हम फ्री में काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कोरोना काल के दौरान भी आशा कार्यकर्ताओं का कोरोना काल में तो हम लोगों ने जहां हमारे खुद के अधिकारी नहीं निकलते थे, जहां हमारी आशा बहनों को निकाला गया था कि आशा ही सर्वे करेगी, जो बाहर से आ रहे उसको आशा ही देखेगी, मतलब सब कुछ आशा ही करेगी, कोरोना में मरना भी था तो आशा को, जीना था तो आशा को, मतलब बाकी लोग सब सिर्फ लेने के लिए थे, तो हमारे साथ क्या हुआ, कुछ नहीं, सिर्फ हमारा किया गया। नाम बताएं अपना। मेरा नाम नाजमा बानो है, आशा उषा आशा सहयोगिनी श्रमिक संघ से, जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष पन्ना।